सो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में ये बत्तख हैं, पूरे 1000 बत्तख हैं। ओके, और यार भाई क्या बताएं, यूट्यूब से पैसा वैसा नहीं आ रहा था तो सोचा यूट्यूब छोड़ देते हैं और यही पक्षी को पालते हैं, बत्तख, और अंडे देंगे और मार्केट में बेचेंगे। ओके, कुछ रोजगार मिल गया। तो आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग चलते हैं इसको, यहाँ पीछे आप लोग देख सकते हो ताल है, ठीक है, और उसमें चराएंगे। और यहाँ पर दो भैया हैं, यहाँ पर यही लोग चराएंगे। ओके, तो दिखाते हैं और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स द स्टार्ट। गाइस आप लोग देख सकते हो बत्तख को बाड़ा में से छोड़ दिया गया है चरने के लिए और ये नदी के तरफ निकल गए। और आप लोग देख सकते हो बहुत ही समझदार बत्तख हैं, एक लाइन से एक साथ सभी लोग जा रहे हैं और नदी के तरफ। तो आप लोग देखते रहिए। और मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और छोड़ दिया गया है और शाम तक ये इसी नदी में चरेंगे सब और इंजॉय करेंगे सब। ओके, गाइस आप लोग देख सकते हो नदी में बत्तख तैर रहे हैं और तैरते हुए बत्तख बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, आप लोग स्वयं देख सकते हो। ओके, और ये नदी का भी खूबसूरती बहुत प्यारा लग रहा है। गाइस आप लोग देख सकते हो बत्तख, ओके, ये पूरे 1000 बत्तख हैं। और आप लोग देख सकते हो अभी इधर है सब, यहाँ पर चर रहे हैं सब, अपना भोजन कर रहे हैं सब, चारा इसमें। और उधर आप लोग देख सकते हो आ रहे हैं सब। ओके, तो आप लोग देख सकते हो 1000 पूरे बत्तख हैं और YouTube छोड़कर हम यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि यार भाई YouTube से कमाई उमाई नहीं हो रहा था तो सोचे बत्तख का पालन कर लेते हैं और इसी से अपना रोजगार भी हो जाएगा एक, और पक्षी का सेवा भी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो अभी ये सब पूरा चर चुके हैं और अभी ये लोग शाम हो चुका है तो ये लोग जाने वाले हैं यहाँ पर उन लोगों का, वो सामने देख सकते हो बाड़ा है, वहाँ पर अभी ये सब जाएंगे। ओके, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहो और देखते रहो। ओके गाइस, चलो फिर दिखाते हैं मैं आप लोगों का, बहुत प्यारा लग रहे हैं सब, आप लोग देख सकते हो। और अभी आप लोग देख सकते हो ये तालाब है और इधर नदी है। ओके, तो ये नदी में जा रहे हैं सब, देख सकते हो। अभी आप लोग देख सकते हो जहाँ पर इन लोगों का बाड़ा है वहाँ पर जा रहे हैं सब, और एक लाइन से आप लोग देख सकते हो आगे एक चल रहा है, इसके पीछे सभी लाइन से जा रहे हैं सब और बहुत प्यारा लग रहा है सब, आप लोग देख सकते हो। ओके, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और एक लाइन से जा रहे हैं सब, सामने आप लोग देख सकते हो अभी ये दो लाइन में बट गए हैं सब। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लग रहे हैं सब ना बहुत ही प्यारा और बहुत ही समझदार हैं। ओके, आप लोग देखिए एक लाइन से निकल के जा रहे हैं सब। तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, ताकि अपने मित्रों में शेयर करो और आपके मित्र भी देखें और एंजॉय करें। ओके ओके गाइस, थोड़ा सा और हम पास चलते हैं और दिखाते हैं बत्तख आप लोगों को। देख सकते हैं आप लोग लाइन से जा रहे हैं सब, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। ओके, और इधर सभी हम निकल आए हैं और ये सब जा रहे हैं अपने बाड़े। गाइस आप लोग देख सकते हो नदी में से सभी बत्तख बाहर आ चुके हैं। और गाइस मैं जस्ट ऐसे ही बोल दिया था मजाक में, और जस्ट आई एम किडिंग कि मैंने बत्तख को पाला है और मैंने बत्तख का पालन खोल दिया है, ऐसा नहीं है। ये बत्तख के जो भैया पीछे आप लोग देख सकते हो इनका है और ये राजस्थान से लेकर आए हैं, यूपी में चरा रहे हैं। ओके, और यही है इन्हीं बत्तखों का चरवाह है। ओके, और ये राजस्थान से किसी कंपनी ने इनको प्रोवाइड किया है कि ले जाओ 1000 बत्तख मैं तुमको देता हूँ और 1000 बत्तख ले जाकर तुम चराओ। ओके, ये अपने बाड़े में आ गए हैं और सभी लोग अंदर जा रहे हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग
लग रहा है ना, बहुत प्यारा सा दृश्य। तो ये पूरे 1000 बत्तख है और सभी अंदर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ओके गाइस।